कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर बौखलाए पड़ोसी मुल्क के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने मंगलवार को करारा जवाब दिया। उन्होंने अपने एक ट्वीट में अफरीदी को शांत रहने की सलाह देते हुए कहा, चिंता मत करिए बेटा, सब ठीक हो जाएगा। गौतम ने अपने एक ट्वीट में लिखा, शाहिद अफरीदी ने इस मुद्दे पर राय रखी है। वो कह रहे हैं कि अकारण आक्रामकता और मानवता विरोधी अपराध हो रहे हैं, लेकिन वो एक चीज का उल्लेख करना भूल गए कि ये सब पड़ोसी मुल्क अधिकृत कश्मीर में ही हो रहा है। चिंता न करे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करने से पड़ोसी मुल्क बौखलाया हुआ है और पड़ोसी मुल्क के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने सोमवार को एक टीम के जरिए अपनी बौखलाहट दिखाई थी। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा कि कश्मीरियों को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के आधार पर उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। आज़ादी का अधिकार जो हम सभी को है, संयुक्त राष्ट्र की रचना क्यों की गई है और ये क्यों सो रहा है। कश्मीर में लगातार जो मानवता विरोधी अकारण आक्रामकता और अपराध हो रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में जरूरी रूप से मध्यस्थ की भूमिका अदा करनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने और अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने से पड़ोसी मुल्क टेंशन में आ गया है। पड़ोसी मुल्क के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने जम्मू कश्मीर पर भारत के फैसले को लेकर चर्चा के लिए आज मंगलवार को संसद के दोनों सदनों की आपात बैठक बुलाई है। द डेली न्यूज रूम से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।